माना कि सुई तलवार जितनी ताकतवर नहीं है, पर जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों अलग है इसलिए दोनों के गुण भी अलग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉकेट ट्यूब में। अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी मिस ना करें। अक्सर ही हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, तो कोई सिंगिंग में अच्छा है, पर फिर भी हम उसके टैलेंट को उसकी मेहनत से नहीं आंकते। उस टैलेंट को हम एक नाम देते हैं, गॉड गिफ्टेड, जिसका ये अर्थ है कि ऊपर वाले ने उसको ये हुनर दिया है। फिर मन में एक सवाल पैदा होता है कि ऊपर वाले ने उसको ज्यादा हुनर से नवाजा है और हमें कुछ भी नहीं दिया, तो क्या ऊपर वाले ने बाकियों के साथ अन्याय किया है? मगर सच पूछो तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला हमारे माता पिता के समान है और कभी माता पिता अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करते। इसी तरह से ऊपर वाला भी अपनी संतानों के साथ अन्याय नहीं करता। उन्होंने सबको किसी न किसी हुनर से नवाजा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समय रहते अपना हुनर पहचान जाते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत समय लग जाता है अपना हुनर पहचानने में, और कुछ तो दुर्भाग्यवश जीवन के अंत तक भी ये नहीं जान पाते कि वे क्यों इस दुनिया में आए हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ। KFC का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, कोई भी व्यक्ति इस नाम से अनजान नहीं है। कर्नल सैंडर्स, KFC के मालिक, जिनका जीवन असफलताओं और संघर्ष से शुरू होता है। महज 5 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो जाता है। 16 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, फिर उनकी माँ ने एक और शादी कर ली तो वे घर से भाग गए। 17 वर्ष की उम्र में उनको 4 नौकरियों से निकाला जा चुका था। 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और 19 की उम्र में वे एक बच्ची के पिता बने, परंतु उसके 1 साल बाद उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई और बच्ची को भी साथ ले गई। उसके बाद उन्होंने एक होटल में शेफ के तौर पर काम किया। 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद उन्हें इतनी ही धनराशि मिली जिससे कि वे 1 महीने तक अपना गुजारा कर सकते थे। इसका ये मतलब था कि रिटायर होने के बाद भी उनके जीवन का संघर्ष बाकी था। अभी तक के उनके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हुआ हो, परंतु वे एक बात जानते थे कि वे बहुत अच्छे शेफ हैं और चिकन बनाने की कई रेसिपी जानते हैं। वे अपना प्रेशर कुकर और मसाले लेकर कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स में गए और अपनी चिकन बनाने की रेसिपी बताई, परंतु समय ने इस बार भी उनका साथ नहीं दिया और उनके फ्राइड चिकन की रेसिपी को लोगों ने नकार दिया। पर फिर भी उन्होंने हार ना मानने की जिद ठान ली और नई नई रेसिपी सीखते रहे। एक दिन ऐसा भी आया जब उनका संघर्ष खत्म हुआ। अब वे अपना हुनर पहचान गए थे और वे बखूबी जानते थे कि भगवान ने उन्हें कौन सा गिफ्ट देकर भेजा है। आज इसी के चलते 140 देशों में 23,000 से ज्यादा KFC हैं। दोस्तों, इसी तरह से हर व्यक्ति में 99 अवगुणों के बावजूद एक गुण अवश्य होता है, मगर जरूरत है कि उसे समय रहते पहचाने और उस पर मेहनत करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।